आईपीएल 2021 के सातवें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से मात देकर सीजन का अपना पहला मुकाबला जीता है। वहीं राजस्थान के इस जीत में डेविड मिलर के साथ आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस चमके, जिन्होंने 18 गेंदों पर 36 रनों की तुफारी पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई है। वहीं राजस्थान के कैप्टन संजू सैमसन ने टॉस जीतकर ऋषभ पंत की टीम को पहले बल्लेबाजी करने को कहा। वहीं दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 147 रन बनाए। दिल्ली की ओर से ऋषभ पंत ने 51 रनों की सर्वाधिक पारी खेली। वहीं जयदेव उनादकट ने 3 विकेट चटकाए। राजस्थान की टीम ने 2 गेंद रहते ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। दिल्ली की इस मैच में शुरुआत बेहद खराब रही और उनादकट ने उसे शुरुआती झटके दिए। दिल्ली ने पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे और मार्कस स्टोइनिस के विकेट कुल 37 रनों पर ही गंवा दिए थे। इसके बाद पंत ने कुछ ताबड़तोड़ शॉट्स खेले और टीम को मुश्किल से उबारने की कोशिश की और अर्धशतक जड़ा। वहीं अर्धशतक जड़ने के बाद पंत रन आउट हो गए। पंत के आउट होने के बाद मॉरिस ने ललित यादव को आउट कर दिल्ली को छठा झटका दिया। वहीं ललित ने 24 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 20 रन बनाए। इसके बाद टॉम करल ने कुछ शॉट्स खेल टीम का स्कोर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मुस्ताफिजुर ने उन्हें बोल्ड कर दिया। टॉम करल ने 16 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 21 रन बनाए। वहीं रविचंद्र अश्विन भी रन आउट होकर पवेलियन लौटे। अश्विन ने 4 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 7 रन बनाए थे। वहीं दिल्ली की पारी में क्रिस वोक्स 11 गेंदे खेल 2 चौकों की मदद से नबाद 15 रन बनाए और कगिसो रबाडा 4 गेंदों पर 1 चौके के सहारे 9 रन बनाकर नाबाद रहे।